हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हो गई हूँ जिम के लिए रेडी। आज बहुत सारा सुबह में काम था तो आज थोड़ा लेट हूँ, 7 बज गया है और अभी जा रहे हैं जिम। और चलिए चलते हैं जिम। ठीक है, मुझे जिम के लिए आज पापा को जाना था डॉक्टर के पास, तो इसलिए उनका नाश्ता वास्ता रेडी करते वक्त टाइम लग गया। तो हम लोग आज से लेट है, उठने का तो आज जल्दी उठ गए थे बट काम था कुछ कुछ, इसलिए लेट हो गया। बट कोई नहीं, सुबह का तो है टाइम, पहुँच जाएंगे जिम। बस गाड़ी चलाते हुए ये देखो गाय माता रास्ते में ही खड़ी हैं। क्या कर रहा है? घर पहुंच गए हम लोग। ज्यादा थक गए। रात में पापा अंडा ले आए थे तो अभी हम लोगों का नाश्ता होगा, ब्रेड ऑमलेट। हवा खा रहे हो बैठ के पंखा का? कुछ मुलू टो टाइलर आवाज के इधर से निकल रहे हो। घर के अंदर सोया हुआ था बच्चा, घर में सोया हुआ था। गोलू लू कर रहा है। मम्मी रोटी बना दी है, अंडे का सब्जी बना दी है, शैलो को बैठा के घास खिला रही है पूरा फ्रेश फ्रेश। गोलू और तो हनी बनी मम्मी के साथ बैठ के दोनों जन खा रहा है। मजा आ रहा है ना घास खाने में? और गोलू गोलू कुछ कुछ इसको देखो, इसका देखो। बढ़िया से एकदम मस्ती से, बाहर नहीं जाना, बदमाशी नहीं बदमाशी नहीं। चलो तुम लोगों का खाना खाओ अपना। बाय 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 बाय। मेरे पेड़ का आम मस्त वाला लाल लाल अच्छा दिख रहा है ना, पूरा आम ही आम है, उधर पे पूरा भरा हुआ है। चले नीचे जल्दी। आइसिंग करने का टाइम, थोड़ा सा आइसिंग कर लेते हैं फेस, उसके बाद ओट्स बनाया जाएगा। तो पहले आइसिंग टाइम। तो आइसिंग हो गया और अब ओट्स बन रहा है। ओट्स देखा जाए इसमें, ये उसमें बन रहा है और ये है ओट्स और इसमें कॉर्नफ्लेक्स भी मिला दिया गया है। ये वर्षा ने बनाया है हल्दी खाना, रेडी हो गया ये हमारा ओट्स। हम लोग खाएंगे अब ओट्स, ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स। ये आज का हम लोगों का ब्रेकफास्ट, ब्रेड और ऑमलेट कैंसिल। आज हम लोग खा रहे हैं ओट्स और केला, ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट हम लोग खाने जा रहे हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा वाला गर्म है, ठंडा होने में भी टाइम लगेगा।
फिर हो गई हूँ रेडी और जा रही हूँ अभी पापा को लेने के लिए। पापा गए डॉक्टर के पास तो उनको जाऊंगी लेने। हम और वर्षा दोनों जा रहे हैं, उधर पे ही हम लोगों को कुछ काम है तो वो भी कर लेंगे। तक मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूँ, क्या करूँ, भूख बहुत लगता है जब से जिम जाती हूँ, तब से भूख भी बढ़ गया है। तो नहाने से पहले मैंने ओट्स खाया था, अब नहाने के बाद मैं खा रही हूँ तरबूज। हाँ, मेरा तरबूज। घर से निकल गए हैं पापा को लाने जाने के लिए और काम है वो भी कर लेंगे, और सामान भी लेना है वो भी कर लेंगे, सारे काम हो जाएंगे साथ में। तो बच्चा गाड़ी चला रही है और निकल गया। धूप भी आज कम है तो उतना ज़्यादा गर्मी लग नहीं रहा अभी तक, तो बाकी का पता नहीं। तो चलते हैं और रास्ता का मज़ा लेते हैं। पानी का टंकी, टैंकर, जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है। सेव वाटर सेव लाइफ, पता ही अभी इतना गर्मी चल रहा है और पानी के लिए कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि पानी बचाएंगे तभी लाइफ रहेगा। तो इसलिए सेव वाटर, तो पानी एकदम भी बर्बाद ना करें, और गर्मी के टाइम में तो खास कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत मुश्किल है, दोनों जगह बहुत लोगों को बहुत पानी नहीं मिल पा रहा है। खाली खाली लग रहा है। ये है कचहरी रोड, यहाँ पे सिविल कोर्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे इतना जाम है, भीड़ है, और यहाँ पे लाइन से दुकान लगा हुआ है, जेरोक्स का स्टूडियो है और जूस सेंटर है। निकले तो इतना गर्मी नहीं था बट पसीना से हालत खराब हो गया हेलमेट पहनते पहनते। तो अभी हम लोग आए हैं नर्सरी कचहरी के पास, एकदम बड़ा सा नर्सरी है, वहाँ पे ही आया है पौधा लेने। कितना सारा पौधा, कितना बड़ा नर्सरी, ये देख सकते हैं अंदर में भी वैरायटी है नर्सरी का, यहाँ पे हर तरह का पौधा मिल जाएगा। तो आज सोचे चलो कुछ पेड़ पौधा का वो कर ले, बहुत दिन हो गया था कुछ लगाए नहीं है, तो हमने सोचे निकलते हैं तो कुछ ले लेते हैं। वर्षा देख रही है क्या ले सकते हैं, क्या अलग अलग है। डिसाइड हो रहा है कि कौन कौन सा लेना है और क्या लेना है, क्योंकि बहुत दिन से हो गया कि कुछ लिए नहीं है। कितने का है? 60 रुपया ये डिसाइड हुआ है, ये सारे ले रहे हैं हम लोग। पौधा ले लिए, अब हम लोग कुछ जा रहे खाने के लिए क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो वर्षा लास्ट टाइम आई थी तो उसने ट्राई किया था, तो वो मुझे तब से बोलती थी दीदी तुम भी ट्राई करना। तो सोचा चलो जाके आज ट्राई कर लेती हूँ, गर्मी भी भारी है भयानक वाला, और बहुत दिन से मन था कि कुछ कुछ पौधा ले आऊं घर में लगाऊं कि एकदम फ्रेश फ्रेश लगे, अच्छा लगे। बहुत सारे पौधे गर्मी की वजह से मर भी गया है तो अच्छे से हो नहीं पा रहा था, तो मैं बोली चलो आज जा रहे हैं तो एक साथ दोनों काम हो जाएगा। तो एक काम तो हमारा हो गया, जा रहे हैं दूसरा खाने के लिए, तो चलिए चलते हैं देखते हैं कहाँ है वो जगह। पहुँच गया है साउथ इंडियन डोसा खाने, साउथ इंडियन इडली डोसा का एक यहाँ पे वो लगता है, ऑटो लगता है, ऑटो में ही वो बनाता है मस्त वाला, 35 रुपये में देता है, जो कि सबसे मज़ेदार बात है कि 35 रुपीज़ में भरपेट खाना मिल जा रहा है।
ये साउथ इंडियन इडली डोसा ऑटो में बना रहा है मस्त। ये है 35 रुपए का डोसा, कितना बड़ा और अच्छा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि पैसा कम है तो डोसा का साइज भी छोटा है, बट अच्छा है। चटनी सांभर सब कुछ मिला है। अब मैं बताती हूँ उसका टेस्ट कैसा है। देखने में तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, खाने में कैसा है मस्त है। हम लोगों ने डोसा खा लिया और भर पेट एकदम खाया है। एक डोसा मेरा पेट भर गया है एकदम से, तो अच्छा का भी। और हम लोग अब मम्मी के लिए भी पैक करा रहे हैं, क्योंकि इतना टेस्टी लगा मुझे कि अब मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के लिए भी एक पैक करा लूँ, क्योंकि उनका फेवरेट है मसाला डोसा, तो एक पैक करा ले रहे हैं। और प्राइस तो क्या ही बोले, 35 रुपये के से बहुत ज़्यादा अच्छा है। 35 रुपीज़ में मिल रहा है और इतना साफ़ सुथरा और सब चीज़ क्लीन है, बहुत अच्छा लगा मुझे खाने। अगर आप कभी कचहरी और कचहरी चौक पे हो तो ज़रूर यहाँ का डोसा ट्राई करना, क्योंकि बहुत टेस्टी है, एकदम पेट भर जाएगा। और पूरा साफ़ सफाई से भी बनाता है तो और ज़्यादा यम्मी इस बात से भी लगता है कि पूरा साफ़ सुथरा रहता है, कोई हाइजीन का इशू नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा सब कुछ रहता है। बर्तन वर्तन बनाने का जितना तरीका है सब कुछ ना हो, तो जस्ट स्मार्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड में ही आपको यहाँ पे एक ऑटो मिलेगा इंडियन साउथ इंडियन का, वहाँ पे आप खा सकते हो। और यहाँ पे तो आप कचहरी चौक आओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ले लिया हम लोगों ने पार्सल, मसाला डोसा खा के भर पेट हो गया, पेट पूछा। अभी जब तक घर पहुँचेंगे तब तक तो थोड़ा देर तक चलेगा, और वर्षा ने कहा था कि अच्छा लगेगा दीदी, चलो वहाँ पर ट्राई करते हैं। तो आ गए, क्या करूँ मैं इतनी बड़ी फूडी हो गई कि मुझे चलो जहाँ जो अच्छा चीज़ मिलता है मैं वहाँ खाने आ ही जाती हूँ, तो पहुँच गई थी। और आप लोग भी ज़रूर खाना। तो पापा को लेने उनका हो गया होगा डॉक्टर के पास सारा काम खत्म, तो अब उनको लेंगे, क्योंकि बोल रहे थे आधा घंटा टाइम रहेगा, तब तक हमने कुछ कुछ काम कर लिए, खा लिए, पौधा लेना था ले लिए, तो सारा काम हमारा हो गया। अब बस पापा को लेंगे फिर हम घर चलेंगे। हम लोग पहुंच गए, गई है पापा को देखने के लिए कि उनका हो गया या नहीं ट्रीटमेंट, तो पापा आएंगे उसके बाद फिर हम लोग घर चलेंगे। तो देख लेते हैं पापा को, फिर मिलते हैं, पापा आते हैं फिर मिलते हैं। फाइनली घर पहुंच गए पापा को लेके, अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज। और मम्मी को दे दिया डोसा, वो खा रही है, पूछते उससे कैसा उसको लग रहा है। कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा, तेरा फेवरेट है ना? बहुत अच्छा बनाया ना, टेस्टी, तुमको बहुत पसंद आया। और डोसा मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और अभी तो पेट भरा हुआ है, अब भी मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि धूप इतना ज़्यादा था बाहर की हालत ख़राब हो गई, फिर ट्रैफिक भी उतना ही। तो चलो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर रेस्ट करके मिलती हूँ आप लोगों से। पापा को लेके आने के बाद इतना ज़्यादा थक गई थी कि सो गई, क्योंकि खाना तो हो ही चुका था, डोसा खा के आई थी, फिर घर आके कुछ कुछ खा लिया, फिर आराम कर ली, तो सोचा चलो सो ही जाती हूँ, तो सो गई। और सोने के बाद अब उठी हूँ तो देख रही हूँ शाम हो गया है, और वर्षा चाय ले आई है, अभी छत पर हूँ। चलो खेल रहे हैं और पूरा शाम हो चुका है। ये रहा गोलू लोग, गोलू बिस्किट खा रहे हो तुम लोग, तुम लोग का भी शाम का नाश्ता हो रहा है बिस्किट खा के।
हिलू भी मस्त बिस्किट खा रहा है, शाम का इल्लू का भी नाश्ता हो रहा है और इल्लू भी बाहर निकला है हवा खा रहा है। पीना है तुमको क्या? मैंने चाय पीने आई है। कुछ चाय पसंद है गुल्लू को? चाय दूध यही तो पसंद है। दो चाय दो। वाह चाय पसंद है, दूध भात नहीं खाना है इसको, चाय पीना है इसको, भी शाम में चाय चाहिए। मेरे लिए भी चाय लाओ, बिस्किट लाओ, मैं चाय पीऊंगी। वाह इसके लिए क्यों नहीं बनाई चाय? बना हुआ चाय पी, बस उसको चाय पीना है। कप में पी एकदम सावधान खड़ा है। अरे गया देखो। आजा 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 कहाँ गया? आवाज सुन देखिए कहीं आराम फरमा रहा है। भागा 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 डाचो हनी 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 रूम में नहीं। तो अभी गमले में पानी डालना है, वर्षा बोली कि हम डाल देंगे तो आज वर्षा डाल रही है सारे गमले में पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूख भी गया और गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो दो टाइम भी डालो लगता है कम है, तो सारे गमले में वर्षा पानी डाल रही है। तो गमले में वर्षा ने पानी डाल दिया, पूरे गमले में अच्छा से डला गया है और अब चलते हैं हम लोग नीचे, देखते क्या ही काम है, नीचे जाना पड़ेगा। मम्मी क्या कर रही है देखते हैं। वर्षा भी आ ही गई है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ तो वो करके बोलती तुम जाओ हम आ रहे हैं। तो ठीक है चलो मैं जाती हूँ, होनी चाहिए। मम्मी दे रही है सांझ, तो मम्मी अभी पूजा कर रही है क्योंकि शाम का भी टाइम हो गया सांझ होने का, तो अभी शाम वाला पूजा हो रहा है। देखते हैं खाना में क्या ही बनेगा। तो शाम वाला काम खत्म हो गया और डिनर बन चुका है, हम लोग अब डिनर करने के लिए बैठ गए हैं। तो डिनर में आज हम लोग चावल, अंडा कड़ी और ये छोले मिर्च की सब्जी, सलाद ये है और ये हम लोग खा रहे हैं अभी। तो ये है हमारा आज का डिनर और हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए अभी, और फिर डिनर करके वीडियो एडिट करना है, सुबह जल्दी भी उठना है, जिम भी जाना है, तो फटाफट खा के वीडियो एडिट करके फिर सुबह अपलोड करने के लिए लगा देना है। तो चलिए अभी डिनर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।